दर रविवार। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्नेक रेसिपी गुजरात में आपका स्वागत है। आज हम खेरालू से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर विसनगर तालुका शहर के अंदर आए हुए हैं। गुंजा रोड पर मातंगी फार्म हाउस के अंदर जो भंगारे का काम चला है और क्रेन का भी काम है। इधर ये भाई ने हमें कॉल किया और हम सांप का रेस्क्यू करने आए। हमने अभी अभी सांप देखा तो भारत का स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। किसी को काटता है तो इंसान परेशानी में आ जाता है, इसीलिए ऐसे सांपों से हम कहते हैं भाई सावधानी बरते। इस सांप को ये भाई बोला है घायल है, 2 दिन से यहाँ पड़ा हुआ है। उनके पास हमारा नंबर नहीं था, आज नंबर मिला। हम आए और इस सांप को हम सही सलामत पकड़ लेंगे, डब्बे के अंदर फूर कर उसको हम अस्पताल ले जाएंगे और इसको जहाँ भी लगा होगा वहाँ दवा करेंगे। फिर इसको जंगल के विस्तार में छोड़ देंगे, 2-3 घंटे रखेंगे हमारे पास, देखेंगे आराम लगेगा तो हम इसको छोड़ देंगे। हम सांप का रेस्क्यू करने जा रहे हैं। कंप्लीट हुआ हाथ थे जो कंप्लीट सेवा करवा। हेलो दोस्तों, इस शाम को हमने लगभग रात के 7:30-8 बजे के गाले के अंदर विसनगर शहर में आए हुए हैं और इस शाम को जो घायल स्थिति में था यहाँ पे लगा हुआ है। इसको हम जीव दया या हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं अभी और इसको दवा दारू करके टाँगे लेने के होंगे तो भी लेंगे और जंगल के विस्तार के अंदर अच्छा होगा तब छोड़ेंगे। धन्यवाद। हम इसको बड़ी के अंदर फूल रहे हैं। हेलो दोस्तों, इस शाम को हमें घायल स्थिति में फिर भी हमने इसको पकड़ लिया है और बरनी के अंदर कैद कर दिया है, आजू बाजू छेद कर दिया है क्योंकि इसकी भी जान चलती रहे। हमने हमारी जान पर खेल कर ऐसे सांपों को पकड़ कर, कोई रेठाड़ विस्तार हो, कारखाना हो, गोडाउन हो, कोई बंगर का ढेला हो, दुकान हो, मकान हो, कुएं में भी हो तो भी हम इसको सही सलामत पकड़ेंगे और बाहर काटेंगे और जंगल में छोड़ देंगे। क्योंकि दुनिया में सांप को भी जिंदा रखना आवश्यक है, इसीलिए हम सांपों को हमारी जान पर खेल कर बचाते हैं और जंगल विस्तार में सही सलामत छोड़ भी देते हैं। धन्यवाद। इस सांप को हम अस्पताल ले जाकर तैयार करके फिर जंगल विस्तार के अंदर छोड़ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेहसाणा जिलो ठाकुर बर्दी जी जीवन जी मातंगी कैंग सर्विस फार्म विसनगर गुंजा रोड विसनगर रोड गुंजा गाम विसनगर रोड मातंगी फार्म। आप क्यों अगर अपना ये सांप आएला था तो मैं ये भाई को नंबर लेके उसको बुलवाया। मैं इधर सबको इधर आके वो सांप लेके उधर पकड़ के वो लेके इधर आया तो उसको थोड़ा इंजेक्शन हुआ था तो उसको लेके वो दवाई कुछ करेगा उसके साथ वो जंगल में छोड़ेगा, वही मेरे को अच्छा ही लगता है। मैं उसको बात किया है सबको। 3 दिवस से आप इधर घूम रहा था, चल नहीं रहा था, पर हम उसको पकड़ नहीं सकते थे तो मेरे पास उसका नंबर नहीं था तो मैं कोई भाई को उसको बोला किसी को बोला, उसने जिसने नंबर दिया है उसको भी थैंक यू है, सबने बोल के उसको वो भाई को बोला है, वो पकड़ के वो अभी उसने वो बढ़ने में रख दिया है, वो लेके जा रहा है। उसको मैं बोला कि भाई वो थोड़ा वो लगाए उसको तो उसको ठीक करके उसको जंगल में छोड़ देने का, तो वो भाई बोला सही है, उसको ठीक करवा के दवाई करवा के हम जंगल में छोड़ देंगे। मेरे को ठीक है भाई। वो 3 घड़ी था, मैं पकड़ नहीं सका उसको, सबको बच्चों को डर लग रहा था। कहीं नॉर्मल हाँ, जे सांप पकड़ वाला भाई से यूट्यूब ऊपर बरोबर इमें सरप्राइज कर जो यूट्यूब ऊपर सबको दिखाओ, सबको दिखाओ, सबको सरप्राइज करो और लाइक करो सबको दिखाओ। वो भाई को भी पता चलेगा कि वो भाई सब कुछ ऐसा जंगली जानवर को
जहरे सांप है कुछ है, उसको पकड़ के वो करता है, सब अच्छा ही करता है, सबके लिए अच्छा ही करता है। तो सबको सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो, लाइक कर लो, चैन कर लो, बहुत अच्छा ही करने का वो भाई को। हेलो, कोई भी कहाँ भी आप, कोई सांप हो, कोई भी जानवर हो, अगर इसको लगा हो, घायल स्थिति में हो, कोई एक्सीडेंट में हो, कोई ने मारा हो है, तो वो हमें कॉल करो 94-67-9 पर। हम घायल सांप को भी अस्पताल ले जाएंगे, तैयार करेंगे, जंगल में छोड़ देंगे। कोई भी जानवर हो, मात्र जीव हो, तो भी हम इसको जंगल के अंदर छोड़ देंगे पकड़ कर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, हम इस शाम को विसनगर माता की क्रेन वाले के वहाँ से रेस्क्यू किया था। वो एक घायल स्थिति में था और ये मालिक बोल रहा था कि 3 दिन से घायल सांप था, लेकिन हमें रात को 6 बजे फ़ोन आया कल शाम को, और हम सांप रेस्क्यू करने गए, सांप को रेस्क्यू किया, तबे वो बुरा, और अभी अस्पताल के अंदर लाए हैं पशु दवाखाने के अंदर। और इसकी सारवार के लिए सामने तैयारी हो रही है, ले जा रहे हैं इसको हम। अरे भाग आए हो, एवरीडे भाग आ रहे हो, हार्डिंग रहो, भाग आ रहो, भाग आ रहो जी, हैं सोए जा काम करो, बुरा खराब हमारा पब्लिक के दौड़ दौड़ के आ रही है। और डॉक्टर साहब मुझे कहना है सारवार करने के लिए, वीडियो बजा भी जाओ, समझा ना, पॉज कर और वीडियो अपना लगा दो, अभी चालू करेंगे। हम तैयारी कर रहे हैं इसकी सारवार करने के लिए, और सब डॉक्टर सब भी तैयार है। सारवार के लिए तैयारी कर रहे हैं, दवा लगाने की है। हमने मुंह पकड़ा है, डॉक्टर साहब अब दवा करेंगे। युवराज ना पूरा पकड़ लिया ना पूरा भाई तो बाबला अने गोगो सा हो पेटीएम पर 1 बोलो 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 चलो बेटा दा दो घेरा ना ना दुकान बोल बाप मैं खाई क्यों हो जाओ ले लो करो बस अच्छा दुकान अडवा वो तो नहीं मरवाई वो आ रही है।
विसनगर तालुकाना गुंजा गामे थी महमद भाई जे जीवदया प्रेमी छे अने एमने केटला बधा सापो पकड़ाया छे त्यांथी एक साप लई पशु दवाखाना खेरानु आव्या ट्रीटमेंट करावा सारू जे सखत घायल थयेलो हतो जेने ट्रीटमेंट माटे अहींया लावेला જેને અમે પાટાપિંડી કર્યું અને દવા લગાવી અને છોડી દેવા માટે અને ભગવાન એને સારી રીતે રોજ જીવતદાન આપી દે એવી અમારી હા મિત્રો પાટાપિંડી કરા કે દુકાન કી ઓર ચલેંગે આજ કા દિન હમારે પાસ રખેંગે અચ્છા હો જાયેગા કલ પાટા ખોલ કે અંદર કે અંદર હમ છોડ દેંગે હા મિત્રો દવા કરકે चलने की तैयारी कर रहे हैं धन्यवाद क्या हुआ और हम साथ सवा साथ को इसको जंगल विस्तार के अंदर छोड़ने को आ गए हैं और देखिए हमारे लाइव वीडियो अभी भी आवाज़ कर रहा है इसको हम जंगल के अंदर छोड़ रहे हैं लोग अभी चाय भी नहीं पीती थी और घर में सांप आ गया हमें कॉल किया हमने भी चाय नहीं पी थी हम फटाफट जाकर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर सांप को फटाफट पकड़ कर हमने इसको जंगल विस्तार में छोड़ दिया है। ये काम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो धन्यवाद जय हिंद जय भारत।